हे गाइस, कैसे हो आप सब? 2 मिनट रुकिए, अभी मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखा रही हूँ, अभी आप मुझे कुछ बताएंगे, ठीक है ना? छोटा सा टेस्ट देंगे। मैं 3 सेंटेंसेस बोलूंगी गाइस। नंबर 1, आई लव माई पेरेंट्स। नंबर 2, रोमियो एंड जूलियट इज अ लव स्टोरी। नंबर 3, दिस बुक इज अबाउट द लव अ चाइल्ड हैज फॉर हर पेरेंट्स। सो गाइस, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, लव लव लव, राइट? तो मतलब वर्ड एक है बट इट बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? वर्ड तो एक ही है लव, लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स एंड ऑल। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल सकता है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और अपने बेसिक्स को ना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जरूरी भी है कर लेना, कर सकते हो नहीं, करने ही है, ठीक है ना? हाँ, यू हैव टू। अब क्या करना है आपको, जो मैंने 3 सेंटेंसेस बोले हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर लव एज अ वर्ब यूज हुआ है, मतलब कौन से सेंटेंस में लव एज अ वर्ब, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और वट एवर, जो भी आपको समझ आया है अकॉर्डिंगली आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर लिख के बताना है। नंबर 1 में एज अ वर्ब यूज हुआ है या एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, नंबर 2 में ऐसे, नंबर 3 में ऐसे, ठीक है? आप लोगों को करेक्ट आंसर जरूर देना है और जो भी फाइनल करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी पिंड, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और या फिर बता दूंगी आपको कम्युनिटी टैब में। तो जरूर से करेक्ट आंसर देना क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मैं रोज आपकी हेल्प करती हूँ ना ट्रांसलेशन में, तो आज आप छोटा सा टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट इज मैंडेटरी, राइट? बाय बाय।